हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रंट का बहुत ही खूबसूरत नया डिजाइन, जिसमें हम पाइपिंग और फोम बटन की मदद से ये गला बनाएंगे। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सिर्फ हमने यहाँ पे कमर तक कपड़ा ले रखा है और ये मिनिमम हमने दो कलर के कंट्रास्ट से आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं और हम लेते हैं अपनी बुकरम। तो दोस्तों, ये बुकरम 10 इंच चौड़ी है, इसको हमने इस तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। अब देखिए, आपको क्या करना है, एक निशान यहाँ पर लगाना है और यहाँ से इसको 7.5 इंच का एक निशान ये लगाना है। ये निशान लगने के बाद अब आपको अपने गले का ब्रॉड, जैसे कि हमारे गले का ब्रॉड है यहाँ पे 6 इंच, तो उसका आधा 3 यहाँ पे निशान लगाएंगे, 3 निशान हम नीचे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला के इस तरीके से यहाँ पर आप सीधा निशान लगा लें। अब आप इसको यहाँ पे, जैसे आपका गले का डीप है 7.5, तो आप यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लें। अब आपको यहाँ से, जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे वी नेक की, राउंड वी नेक की शेप देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने शेप दे दी, देखिए इस तरीके से लाके हम मिला दें। अब इसे दोस्तों हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वी नेक वाली जगह है जो आप इसे कटिंग करेंगे इस तरीके से, और इसको कर लेंगे यहाँ से कटिंग। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा वीनेक यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली जो साइड है यहाँ पर नीचे जो हमने निशान लगाया था, इधर से आप हल्का सा इसको ऐसे लेंगे और इसको इतना इतना कटिंग करना है, बिल्कुल बराबर से, सिर्फ एक तार कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कैसे गला बनेगा ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, उससे पहले आप इसे ऐसे करें। ऐसे करने के बाद आप तकरीबन गले को इतना इतना चौड़ा पूरे गले को कटिंग कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से गला बनेगा। तो दोस्तों, गला कट चुका है, चलिए अब हम मशीन पे आपको गला बना के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपने गले को ऐसे रखेंगे कपड़े के ऊपर और इसको हम जमाएंगे। तो पहली सिलाई हम इसके किनारे पर लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते हो पूरे गले को हम जमाएंगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने का क्या करना है आपको, पहले सिलाई लगा लें पूरी इस तरीके से बिठा के। अब यहाँ यहाँ के बाद देखिए, ये बिल्कुल बराबर से था, हल्का हल्का कटा था, आप इसको हल्का सा इतना कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, गले में जो थोड़ा कपड़ा रहना जरूरी है, वरना कपड़े के धागे निकलने लगेंगे। आप इतना करने के बाद इसे सिलाई लगाएं और ऊपर तक आपको इतनी गैपिंग करनी है, इससे ज़्यादा ऐसा ना करें, सिर्फ इतनी एक पैर की बहुत है। और इसको ऐसे सेट करते हुए गले को दोस्तों हम सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा गला ब्रॉड हो जाएगा, वो हम जमात बनाते हुए कम कर लेंगे। ये दो कट लगाने के बाद अब यहाँ का जो कपड़ा है, यहाँ के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई, और इसी तरीके से दोस्तों सिलाई लगाते हुए कपड़े को आप फोल्ड करते जाएँ बुकरम के बराबर से, और सिलाई लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, हाफ में करने के बाद आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे जो है कपड़ा फोल्ड हो जाता है, और ये आप उसी में करेंगे जिसमें कपड़ा आपका मोटा होगा, यानी कि बुकरम नज़र ना आए। तो सेम आपको यहाँ से भी ऐसे पलट लेना है आधे में हिस्से में और कटिंग करना है, और उसके बाद आप ये वाला इस तरह जैसे हमने यहाँ पर करा है सेम कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे गला कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा गला जो है अच्छी तरीके से हमने कटिंग करने के बाद सेंटर में से क्रीज भी बना लिया, सेंटर में कट भी कर लिया है। उसके बाद देखिए, कमीज़ में हमने यहाँ पे कट कर लिया है, आप इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और गले के कट को कमीज़ के कट से इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, और गले की क्रीज को कमीज़ की क्रीज से इस तरीके से मिलाना है और यहाँ तक सिलाई लगानी है, जिससे कि आपका गला इधर उधर ना जाए और इसकी क्रीज जो है मतलब सेंटर आउट ना हो इसका। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे सिलाई लगाने का हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम इतना इतना कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से आपका जो कट लगा होता है आप गले के इस तरीके से मिला लें कट से कट, ठीक है, और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हम अपना हर गला जमाते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पर सिलाई लगानी है, और दोस्तों जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सिलाई को हम बारीक कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम होता है तो यहाँ पे हमेशा बारीक सिलाई करेंगे। और इतने हिस्से में हमने कुछ नहीं करा होता तो आपको ये हिस्सा ऑटोमेटिक क्रीज से क्रीज इस तरीके से मिलानी है, ठीक है, और यहाँ पर हम बारीक सिलाई से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर कराया बिल्कुल सेम आपको ये वाले हिस्से से सिलाई लगाते हुए पूरे गले को जमा लेना है। तो दोस्तों, हमने देखिए पूरे गले को जमा लिया, अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे इतना इतना एक पैर छोड़ते हुए,
और गोलाई में कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग। सेम कटिंग आपको इधर से भी करनी है। उसके बाद आपको सेंटर में इस तरीके से कैंची से कटिंग कर लेना है नीचे तक, जहाँ तक आपने सिलाई लगाई है। और फिर ये देखिए आपका ऐसे हो गया। आपका देखेंगे थोड़ा सा कपड़ा ये बचा है। अब आप इसको ऐसे करें और यहाँ पर कैंची की मदद से जब थोड़ा आप करेंगे तो यह नोक बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके की नोक बन जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी आपका नोक बन के तैयार है। अब आप इसको ऐसे करें और इसके किनारे पे आपको बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में, ठीक है। जैसे ऐसे गला घूमेगा आपको ऐसे सेट करते हुए पूरे गले में आप सिलाई लगा लें किनारे पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरे गले पे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो ये वाली साइड है यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है सिर्फ इतने हिस्से में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक कपड़ा लेंगे हम जिस कलर आपको दिखाया था ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का और एक कपड़ा लेके आपको एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर लगानी सिलाई। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रहा हूँ। सिलाई लगाने के बाद ये वाले हिस्से को हम कटिंग करेंगे। ये उल्टी साइड है। अब हम इसे ऐसे घुमा लेंगे और अपने बूट में फंसाएंगे और हमें इधर सिलाई लगानी है, तो पाइपिंग आपकी इधर से लगेगी उल्टी करने के बाद। ये हमने उल्टा कर लिया कपड़ा। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर जितनी पाइपिंग हमें दिखानी है उतनी हम सिलाई लगाएंगे ऐसे रखते हुए। ये देखिए ऐसे बिठाते हुए आपको कपड़े को सिलाई लगानी है। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर आपका कोने वाला हिस्सा है, तो आप इतना हिस्सा लेके आप इसे कटिंग भी कर लें इस तरीके से, कटिंग कर लें और यहाँ पे सिलाई लगा लें। जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ तो सिलाई उतार देंगे। तो देखिए आप सिलाई उतारने के बाद अभी वाला आपका कपड़ा है, तो आप इसे ऐसे करने के बाद, ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो ये कपड़े को आप इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर, ताकि नोक अच्छी बने। और अंदर की तरफ करें, और अंदर की तरफ करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, थोड़ा सा अंदर करना है। अंदर करने के बाद अब इसे ऐसे सेट कर देना है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे पाइपिंग नज़र आने लगेगी। अब इसके किनारे पे हम जड़ में सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे जिससे कि आपकी पाइपिंग निकल के आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पाइपिंग निकाल ली। अब इसको ऐसे करें और जहाँ पे आपका बूट जाता है अच्छी तरीके से, उस जगह पर आप इसके किनारे पे कपड़े के ऐसे सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये जो कपड़ा उठेगा ये आपका अच्छी तरह बैठ जाएगा फिनिशिंग में। तो ये देखिए दोस्तों, आपका जो थोड़ा बहुत बचा है ये आपका अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा जब हम यहाँ पे बंद करने के लिए कपड़ा लगाएंगे। तो आप देखिए आपका इस साइड में हमने पाइपिंग लगा ली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपने फोम बटन बना लेते हैं। करीब 25 के आसपास फोम बटन बनेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे का गला कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से फोम बटन बना लिए। अब आपको क्या करना है, इसको हम रखेंगे इधर और सिंगल बूट चढ़ा लें। हमने यहाँ सिंगल बूट चढ़ाया है आपका इधर वाला, ठीक है, मतलब इस हाथ वाला आपको सिंगल बूट चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, तकरीबन आपको आधा इंच कंधी में दब जाएगा तो आपको इतनी नीचे से फोम बटन लगाना है। तो हम यहाँ पर हल्की सिलाई लगाएंगे पहले, और जो निशान आएगा उस निशान पर आप इसको लेना है आपको, और यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद इस पर लगाएंगे सिलाई। तो ये देखिए आपका ये फोम बटन यहाँ पे लग गया। इसी तरीके से आपको तकरीबन इतना इतना गैपिंग, आधा इंच की गैपिंग देनी है, और आधा इंच की गैपिंग छोड़ते हुए आपको ये फोम बटन लगाना है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाते हुए यहाँ पर आएँ, उसके बाद नीचे तक फोम बटन लगाने आपको आधे आधे इंच की गैपिंग में। याद रखें ये गैपिंग आपको जो है मिलानी नहीं है, इतनी गैपिंग में रखेंगे तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा आ जाएगी। तो चलिए हम इसको पूरे गले में लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से फोम बटन लगाते हुए यहाँ पर आपको यहाँ तक लगा देने हैं। लगाने के बाद आप देखोगे ये अभी उठा उठा दिख रहा है, उसकी वजह है ये सारा आपका कपड़ा। तो ये सब फिनिशिंग हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, एक पट्टी बनानी है बिल्कुल ऊपर से पक्की, नीचे की तरफ कच्ची रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पट्टी को आप जो पक्की साइड है यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लो। इससे क्या होगा, आपको पाइपिंग वाली साइड से ऐसे रखना है बिल्कुल मिला के, और सेंटर में से इस तरीके से रखना है। बूट आपका सिंगल ही रखना है, आपको बूट चेंज नहीं करना। और आप इसे इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई जिससे कि पट्टी बिल्कुल पक्की हम कर सकें। याद रखें, पट्टी को लगाने से पहले यहाँ पर ज़रूर देख लें, ये बिल्कुल बराबर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे रख के अब लगाएंगे हम सिलाई यहाँ पर।
पक्का भी कर सकते हो आप इस तरीके से, पक्का कर लो पहले ही, ठीक है। और इसको सिलाई लगा के ले आए ऊपर तक, ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसे पक्का कर देता हूँ, ये पहले पक्का करके यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे पक्का करके हटा दिया। मैं धागे को कटिंग कर लेता हूँ। अब इसको कटिंग करने के बाद आप इसको ऐसे रखें और इस गले को इस तरीके से आप रखेंगे तो ये वी से वी मिल के आना चाहिए, ठीक है। वी से वी इस तरीके से मिल के आना चाहिए और ये आपका जो सेंटर में कट था ये भी मिल के आना चाहिए। और इसकी हम इस जगह सेंटर में यहाँ पे पक्का करेंगे और पक्का करने के बाद इसको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। बारीक सिलाई लगानी याद रखें यहाँ पर हम, ताकि इसे मजबूती से ये जोड़ खुले ना बाद में बनने के बाद। तो इसे बिल्कुल एकदम बराबर से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा बहुत जो कपड़ा आएगा इसको पेचकस या किसी की मदद से आप उसे सेट कर दें। बस याद रखें फिनिशिंग में ही ये लगने चाहिए, तभी आपके गले की फिनिशिंग आएगी। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे इधर पक्का कर दें और पक्का करके इसको उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसे पक्का करके इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोस्तों कटिंग कर लिया। अभी उसके बाद ऊपर वाले धागे को भी कटिंग कर लें। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से और आराम से देखो इसको, जितने भी कपड़े हैं ये, ठीक है, इसको आपको हाथ से ऐसे ऐसे सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे एक पैर की हम सिलाई, तो यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं। वो सिलाई लगाते हुए दोस्तों इसको एक बराबर कपड़े को ऐसे अंदर के नीचे की तरफ से सेट करते चलें, जिससे कि फोम बटन आपके मजबूती से लग जाएँ। इस तरीके से आपको सेट करते हुए जाना है और सिलाई लगानी है। और फिर इसको ऐसे घुमाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएं और बिल्कुल जिस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है एक पैर की, आपको यह वाले हिस्से में भी पूरी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको ये कपड़ा जितना भी फालतू है इसे कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम ये सिलाई लगा के कटिंग करके आपको गले की पूरी फिनिशिंग दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपका गला बन के तैयार हो चुका है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि इस गले में फोम बटन से कितनी प्यारी फिनिशिंग आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्रंट वाला साइड, आप इसे अच्छी तरह देखें। और फिर इसको मैं ऐसे घुमा के आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए बैक साइड में जो भी उठ रहा था हमने इक्वली से कटिंग कर लिया, और यहाँ पे पट्टी के नीचे से भी आप इसे इस तरीके से उठा के कटिंग कर लें। तो यहाँ पर आपका बैक साइड से भी फिनिशिंग हो गया और फ्रंट साइड से आपकी ये लुक आएगी। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें बिना ना जाएँ, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे को मोटिवेशन देता है आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।